नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं मिलन टूटी मिसाइल के बारे में। हाल ही में भारत डायनामिक्स लिमिटेड और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। इसमें इंडियन आर्मी को 4960 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दिए जाएंगे जिनकी कॉस्ट होगी 1188 करोड़। जी हाँ, जिनकी कॉस्ट होगी 1188 करोड़ रुपीस। तो इतने के जो है ये एंटी टैंक मिसाइल यहाँ पे दिए जाएंगे इंडियन आर्मी को। तो देखो, भारत को जो है दुश्मनों की कमी नहीं है। चाहे आप एक तरफ पाकिस्तान देख लो, एक तरफ चाइना देख लो। चाइना तो पैसिफिक ओशन को भी नहीं छोड़ता, ठीक है। तो उनकी जिससे बॉर्डर लगी हुई है उनको तो काफ़ी परेशानी होना ही है। चाहे आप सियाचिन का कॉन्फ्लिक्ट देखो, जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी देख लो, म्यांमार में इंसर्जेंसी देख लो, तो काफ़ी जगह जो है आपको हर तरफ से जो है प्रॉब्लम नजर आएगी। इसलिए भारत जो है इतने एम्यूनेशन यहाँ पे प्रोक्योर करता है। BDL एक नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। BDL ने बहुत सारे मिसाइल डेवलप किए हैं। अगर आप पहले देखोगे, अगर आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, तो BDL ने जो है बहुत सारे यहाँ पे मिसाइल डेवलप किए हैं, अग्नि, आकाश। तो ये सब जो मिसाइल हैं भारत डायनामिक लिमिटेड ने ही जो है यहाँ पे बनाए हुए हैं। और इसके अलावा जो है ये एक नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो बहुत ही मैसिव लेवल पर प्रोडक्शन करता है। और यहाँ पे करीब 3000 के लगभग आपको एम्प्लॉयज़ देखने को मिलेंगे और बहुत सारी जो है इनकी प्रोडक्शन यूनिट भी आपको देखने को मिलेंगी। तो हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक को। उसके पहले जस्ट गो गूगल पे स्टोर, डाउनलोड एमएम एकेडमी ऐप, और आपको जो है यहाँ पे एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, फिर साइन अप करना है। यहाँ पे आप दो वीडियो लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है और कोर्सेज को एंजॉय करना है। PDF भी डाउनलोड कर सकते हो जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में यहाँ पे बहुत हेल्प करने वाला है। ये देखो, ये आर्टिकल मिंट का है। इंडियन आर्मी टू गेट 4960 मिलन टूटी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फ्रॉम भारत डायनामिक्स। तो भारत डायनामिक्स इंडियन आर्मी को देगा मिलन टूटी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये ट्वीट भी है ANI की। डिफेंस मिनिस्ट्री टुडे साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद भारत डायनामिक्स लिमिटेड टू सप्लाई 4960 मिलन टूटी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल टू इंडियन आर्मी एट अ कॉस्ट ऑफ 1180 करोड़ इन दिल्ली। सो बेसिकली BDL जो है ये प्रोड्यूस करता है मिलन टूटी अंडर लाइसेंस। इनको लाइसेंस मिला हुआ है फ्रांस की जो फर्म है उससे। और मिलन जो मिसाइल है ये बेसिकली जो है फ्रांस में ही ओरिजिन हुआ था इसका, फ्रांस में ही जो है इसको बनाया गया था। और फिर मिलन वन, मिलन टू और फिर मिलन टू टी। सो बेसिकली इसके जो है सभी वेरियंट्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। उसके पहले एक प्रश्न है आपके लिए। DRDO डेवलप चीपेस्ट गन शॉट लोकेटर, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? तो DRDO ने डेवलप किया है एक बहुत ही सस्ता, बहुत ही चीपेस्ट जो है गन शॉट लोकेटर, उसका नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन है नाग, पार्थ, धनुष, अरिहंत। सो बेसिकली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना। बहुत से बच्चे वीडियोस देखते हैं लेकिन अटेम्प्ट नहीं करते क्वेश्चन। अब हाल ही में हुआ क्या है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने फ्राइडे को यहाँ पे साइन किया है एक एग्रीमेंट, जिस एग्रीमेंट के अंतर्गत भारत डायनामिक्स को कॉन्ट्रैक्ट मिला है 1188 करोड़ का। और इसके बदले में इंडियन आर्मी को 4960 जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये प्रोवाइड करी जाएंगी। तो भारत डायनामिक्स जो है यहाँ पे ये प्रोवाइड करने वाला है। भारत डायनामिक्स के बारे में बात करें तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड पूरा नाम है इसका, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है इसको। और हाल ही में इसको नॉमिनेट किया गया था मिनी रत्न के लिए, क्योंकि इसका टर्नओवर जो है बहुत अच्छा है, वर्क बहुत अच्छा है। भारत डायनामिक्स जो है एक इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरर है जो एम्यूनेशंस और मिसाइल सिस्टम यहाँ पे डेवलप करता है। इसको 1970 में फॉर्म किया गया था हैदराबाद तेलंगाना में। BDL को जो है 1970 में इस्टेब्लिश किया गया था, और इसको जो है बेसिकली गाइडेड जो वेपन सिस्टम होते हैं वो ये डेवलप करता है, वो ये मैन्युफैक्चर करता है। BDL की तीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको देखने को मिलेंगी, एक हैदराबाद तेलंगाना के पास, एक भी आपको एक और मेदक डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी तेलंगाना में, और एक आपको मिलेगी आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में। तो तीन जो है आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखने को मिलेंगी। और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है BDL को, उसके बाद जो सेंसेक्स है वो आपको काफी जो है बढ़ते हुए नजर आएंगे। BDL ने यहाँ पे काफी प्रॉफिट क्रिएट किया है, और उसके बाद इसको जो है नॉमिनेट कर दिया गया था एज अ मिनी रत्न कंपनी कैटेगरी वन। सो मिनी रत्न महारत्न में भी कैटेगरी होती है, तो इसको जो है कैटेगरी वन में जो है यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है भारत सरकार ने। 2012-13 में अगर हम सेल्स की बात करें तो BDL के जो सेल्स हैं वो रहे हैं करीब 1075 करोड़ रुपीस के। तो इतना जो है टर्नओवर रहा है 2012-13 में BDL का। सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, हैवी बेट टॉर्पीडो, एयर टू एयर मिसाइल, इन सब इक्विपमेंट का जो है मैन्युफैक्चर है, इन सब इक्विपमेंट का ये निर्माता है। BDL जो है अब उस एरेना में एंटर कर चुका है जहां पे ओल्ड मिसाइल को भी रिफर्बिश्ड किया जाता है। तो BDL चाहे तो कोई पुरानी मिसाइल है उसको जो है यहाँ पे रिफर्बिश्ड जो है कर सकता है। अब इसके मिसाइल प्रोडक्शन की हम बात करें तो ये जो है एक नोडल एजेंसी है जो मिसाइल का जो है प्रोडक्शन करती है भारत में। पहली मिसाइल जो इन्होंने डेवलप करी थी भारत डायनामिक्स ने, वो है पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल जो इन्होंने डेवलप की थी। फिर 1998 में इन्होंने डेवलप करी अग्नि, इन्होंने प्रोड्यूस करी अग्नि वन मिसाइल। फिर उसके बाद जो है आकाश,
तो बहुत सारी मिसाइलें जो है इन्होंने प्रोड्यूस की हैं। बात करें मिलन टूटी की, तो मिलन जो है एक वेस्टर्न यूरोपियन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। मिलन का जो प्रोडक्शन है ये स्टार्ट किया गया था 1962 में, और फिर इसके जो ट्रायल्स हैं वो यहाँ पे 1971 में शुरू हो गए थे, और फिर जो है 1972 में इसको सर्विस में यहाँ पे ले लिया गया था। ये एक वायर गाइडेड सेक्लॉस मीन सेमी ऑटोमेटिक कमांड टू लाइन ऑफ साइट मिसाइल देखने को मिलेगा। बेसिकली आपको जहां पे हिट करना है, आपको जो टारगेट हिट करना है, आपको सिर्फ वहां पे जो देखना है और फिर आपको एम करना है, और सीधे जो है आप इसको टारगेट कर दोगे और मिसाइल जो है वहीं पे जाके हिट होगा। मिलन के बहुत सारे जो है आपको वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मिलन वन की। मिलन वन जो है एक सिंगल जो है मेन शिफ्ट चार्ज वॉरेट आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीका। इसको 1972 में जो है यहाँ पे इंडक्ट किया गया था। फिर मिलन टू की हम बात करें तो मिलन टू जो है एक सिंगल मेन शिफ्ट चार्ज वॉरहेड है जो इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। फिर मिलन टू टी तो कुछ इस तरीके की ये मिसाइल है, और ये बेसिकली जो है थोड़ा आपको स्मॉलर शेप इसका देखने को मिलेगा। वॉरहेड जो है वो आपको काफ़ी छोटा देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो ये वॉरहेड काफ़ी बड़ा है, इसका वॉरहेड थोड़ा छोटा हो गया, और फिर जो है इसका वॉरहेड और छोटा आपको देखने को मिलेगा। और इसको जो है 1993 में यहाँ पे इंडक्ट कर लिया गया था, और अब जो है भारत यहाँ पे BDL से खरीदेगा मिलन टूटी मिसाइल। और इसकी जो रेंज है वो होगी करीब 1850 मीटर, मतलब 1850 मीटर जो है इसकी रेंज होगी। इसको जो है जमीन से और व्हीकल से हम जो है इसको लॉन्च कर सकते हैं, और इसका जो इंडक्शन प्लान है, और इसको जो है आने वाले 3 सालों में यहाँ पे इंडक्ट कर दिया जाएगा भारतीय सेना। जो एक्विजिशन विंग है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, उन्होंने जो है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, पब्लिक अंडरटेकिंग है भारत डायनामिक्स उनके साथ। और यहाँ पे 4960 जो मिलन टूटी एंटी टैंक मिसाइल है वो बहुत जल्द जो है इंडियन आर्मी को यहाँ पे सौंप दी जाएंगी। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन था DRDO ने डेवलप किया है चीपेस्ट गन शॉट लोकेटर, अब इसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो है पार्थ। तो पार्थ इसका नाम है, और DRDO जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसके हेड हैं G. सतीश रेड्डी। तो G. सतीश रेड्डी जो है इसके हेड हैं, और ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है DRDO। तो ये था इंड इस वीडियो का, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिला होगा मिलन टूटी मिसाइल के बारे में। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।